इस साल सब कुछ अच्छा रहा और मुझे थोड़ा वक्त मिला अपने फैमिली के पास पहुंचने का, अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचने का। और ये है जो बहुत ही एक लंबे समय के बाद मैं अपने घर गया तो मम्मी थी वो रोने लगी। एक खुशी के जो आंसू होते हैं और बच्चे जो होते हैं उस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, बच्चों को जो माँ बाप होते हैं वो भी बहुत प्यारे होते हैं। तो एक जो इमोशंस थे वो हम सबके बीच में आ गए थे। जो मेरे फ्रेंड्स भी थे वो मिले तो वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। वो पहले तू तड़ाके से बड़े जैसे मिलते थे यार दोस्त होते हैं तो उनको लगा कि यार ये टेलीविज़न में काम करता है। हालांकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं जैसे था कल मैं आज भी वैसा हूँ और मैं आगे भले कुछ भी क्यों ना बन जाऊँ लेकिन मैं ज़िंदगी भर वैसा ही रहूँगा जैसे मैं शुरू में हुआ करता था। तो मैं सभी के लिए सेम हूँ लेकिन मुझे थोड़ा फॉर्मल लगा कुछ दोस्तों के साथ, कुछ रिलेटिव्स के साथ। बाकी इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, सबने बहुत ढेर सारा खाना खिलाया। जो मैं यहाँ डाइट पर रहता हूँ तो दो दिन मैंने कोई डाइट नहीं की, दो दिन मैंने दबा के मीठा खाया है, दबा के खाना खाया है, तो बहुत मज़ा आया। हर पल मेमोरीज ही हैं लेकिन क्योंकि दो दिन का टाइम था और जो हमारे सोसाइटी वाले हैं, जो हमारे एरिया वाले हैं, उन लोगों से मिलने में मुझे काफ़ी वक्त मिल गया और उनका हक बनता है मुझसे मिलने का। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से एक फ़ैन मोमेंट भी आ गया था कि काफ़ी सारे लोग प्यार करते हैं आपको, आपका शो देखते हैं। तो उस बीच में शायद मेरी माँ बाप से जो बात है वो कम हो पाई लेकिन बहुत खुशी की बात थी। तो ये छोटे छोटे मेमोरीज हैं, छोटे छोटे जो है मोमेंट्स होते हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं। और जब मैं घर से निकला वापस यहाँ आने के लिए तो जो जिस तरह से वो गले लग रहे थे, जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे थे, वो शायद मेरे लिए हमेशा यादगार रहे। इस बार थोड़ा अलग था।